नगर निगम मुख्यालय सहित समस्त जोन कार्यालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें करदाताओं को जलकर एवं संपत्ति करों में छूट का लाभ भी दिया गया। करों में राहत पाकर उपभोक्ता भी खुश नजर आए। नगर निगम में आयोजित हुई नेशनल लोक अदालत में जल कर, संपत्ति कर और डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की राशि करदाताओं द्वारा जमा की गई। खास बात ये रही कि लोक अदालत के माध्यम से नगर निगम के खजाने में लगभग 8 करोड़ की राशि जमा हुई है। राजस्व उपायुक्त पीएन संखेरे ने बताया कि संपत्ति कर में लगभग 6 करोड़, डोर टू डोर में 26 लाख और जल कर के 1.5 करोड़ रुपये जमा हुए हैं। आज शासन के निर्देशानुसार हमारे सभी संभागीय कार्यालय एवं मुख्यालय में लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसमें सुबह 9 बजे से ही हमारे सारे काउंटर खोल दिए गए हैं और हमारा सभी अमला पूरी तरह से मुस्तैद है, जिसमें अभी हमारे पास टोटल 5000 रसीद संपत्ति कर की जारी हो चुकी है, जिसमें 3 करोड़ रुपये जमा हो चुका है और 1200 रसीद हमारी जल शुल्क की जारी हुई है, जिसमें 70 लाख रुपये जमा हो चुका है और डोर टू डोर की हमारी 500 रसीद जारी हुई हैं, जिसमें अभी तक 5 लाख रुपये जमा हो चुका है और लगातार हमारे यहाँ भारी भीड़ चल रही है। इसको देखते हुए हमको लग रहा है कि शाम तक 5 करोड़ से ऊपर राशि जमा होगी। हमारे द्वारा लक्ष्य भी निर्धारित किया गया था 4 करोड़ 60 लाख का, परंतु जनता का बहुत अच्छा रिस्पांस होने से हमारे को 5 करोड़ से ऊपर की राशि आज लोक अदालत में जमा होगी। नेशनल लोक अदालत में करदाताओं को करों में छूट का लाभ भी दिया गया।